नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, जून की छुट्टियां हो चुकी है, बच्चे शायद बाहर घूमने जाएंगे या फिर ननिहाल भी। जो कामकाजी स्टाफ है वो भी छुट्टियां मनाने शायद बाहर जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में हारने के बाद शायद छुट्टियां मनाने जा रही है, क्योंकि पूरा जून का महीना कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, प्रवक्ता और यहाँ तक कि बड़े नेता कहाँ होंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पता। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये फरमान दिया गया है कि एक महीने तक टीवी चैनलों पर डिबेट से रहेंगे दूर। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये बताया है कि पूरा एक महीना कांग्रेस के सभी प्रवक्ता और कार्यकर्ता डिबेट से दूर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पूरा एक महीना छुट्टियों का भी है, तो ये कहना तो बनता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी शायद छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हों। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के झेलने के बाद हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे के लिए पेशकश की, पर सस्पेंस के बीच में पार्टी ने सभी प्रवक्ताओं को किसी भी टीवी डिबेट के अंदर शामिल न होने का फरमान जारी किया है। क्योंकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया है कि कोई भी प्रवक्ता अगले पूरे एक महीने तक किसी भी टीवी डिबेट में भाग नहीं लेगा और ये पूरा कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया है। यहां तक कि टीवी चैनलों को पत्र लिख करके डिबेट में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को ना बुलाने का अनुरोध भी किया गया है। और इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखने व कभी भी कोई भी बात कहने से पहले अपने सभी प्रतिनिधियों को हटा दिया था ताकि वे किसी भी प्रकार का पक्ष टीवी चैनलों पर न दे सकें। वहीं एसपी ने भी टीवी चैनलों से गुजारिश की है कि उनके प्रतिनिधियों को डिबेट में न बुलाया जाए। लेकिन इससे माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को लगता है कि अभी अभी चुनाव हुए हैं और देश का मूड मोदी के साथ है, लिहाजा अभी सरकार का विरोध करना ठीक नहीं होगा, इसका जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने जिस तरह से हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है और उन्हें अभी भी मनाने की कोशिशें जारी हैं, तो शायद उसे देखते हुए भी प्रवक्ताओं के लिए इससे जुड़े सवालों का जवाब लेना और जवाब देना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल की पेशकश को नामंजूर कर दिया था। लेकिन वह अभी भी गांधी परिवार से बाहर के किसी भी सदस्य या शख्स से या किसी भी शख्स को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के अड़े हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा कई राज्यों की इकाइयों के प्रमुखों ने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर काफ़ी उथल पुथल जैसा माहौल पैदा हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे दौर में अगर टीवी चैनलों पर प्रवक्ता जाते हैं तो टीवी चैनलों पर डिबेट में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को इससे जुड़े हुए सवालों से दो चार होना पड़ता है और इसका सीधा जवाब देने में वे असमर्थ भी होते हैं। शायद इन्हीं वजहों को देखते हुए पार्टी ने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट से दूर रहने का फरमान जारी किया है। खैर, पार्टी शायद किसी और बातचीत पर मंथन कर रही हो या कोई नया फैसला लेने वाली हो, इसके लिए उन्हें एक महीने का समय मिला है। शायद पार्टी की कुछ नई रणनीतियां तैयार हो रही हैं। खैर, जो भी फैसला होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें भी इंतज़ार करना होगा क्योंकि भाई कांग्रेस तो इस समय चुप है। खैर, एक चुप सो सुख, शायद कांग्रेस इसी में भलाई समझती हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएँ। इसके अलावा कांग्रेस क्या चाहती है या आपके मन में क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।